हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आया हूं। बोनस मार्क्स के रिगार्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर आ रही है, साथ में MBBS की सीट्स इंक्रीज्ड हुई हैं उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी खबर है, आप लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली है। और दूसरी बात जो है कट ऑफ डिक्रीज़ होने वाली बात है, वो भी काफ़ी अच्छी खबर है। तो ये जो आज की इस वीडियो में मैं अच्छी खबरें आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं पर भी कुछ भी मिस मत करिएगा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बोनस मार्क्स न्यूज़ दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू everyone, and the another thing is that MBBS seat have been increased, so I will discuss each and everything in this video, so watch the complete video। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू कीप अपडेट यू रिगार्डिंग ईच एंड एवरी न्यूज़। मैं आप लोगों को हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो भी आप लोगों से जुड़ी हुई नीट की से जुड़ी हुई 2019 से जुड़ी हुई जो भी नई न्यूज़ आती है, आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ आती है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोगों के लिए ही है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया तो शायद हो सकता है आप लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसमें सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिगार्डिंग द बोनस मार्क्स यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी बेसिकली, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, ये अमर उजाला की न्यूज़ है, MBBS की 910 सीटें बढ़ने की आशंका या फिर उम्मीद जताई जा रही है। तो ये जो है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कटिंग भी दिखाई है, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स थिंक्स दैट वी आर जस्ट बार्किंग हेयर एंड कुछ भी यहाँ पर सही नहीं है, दैट्स वाई आई एम शोइंग यू द एग्जैक्ट रियलिटी एंड द प्रूफ ऑफ दैट थिंग। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदेश को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 910 सीटें बढ़ने की उम्मीद है। मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के निरीक्षण के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा के साथ ही 5 नए राजकीय कॉलेज फैजाबाद, फिरोजाबाद, बस्ती और यहाँ पर 100-100 सीटों पर इसी सत्र से पढ़ाई शुरू होने की तैयारी हो रही है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम टोटल बात करें तो यहाँ पर 910 जो हैं 910 मेडिकल कॉलेज की सीट्स बनने की, यहाँ पर MBBS की सीट्स बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे डायरेक्टली आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है, इससे उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है जिन स्टूडेंट्स के नीट 2019 में नंबर कमाए हुए हैं, उन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इसमें फ़ायदा होने वाला है। सो अगर आपके नीट में नंबर कम आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए अपने मार्क्स, और साथ ही में आप अपनी कैटेगरी भी लिखिए, सो दैट आई कैन गाइड यू रिगार्डिंग द कट ऑफ एंड योर कॉलेज विच कॉलेज यू विल गेट। मैनी स्टूडेंट्स हैव मैसेज्ड मी रिगार्डिंग टू मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन कि उनके इतने मार्क्स आए हैं और हम आपको बताएं कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिलेगा। सो अगर आप लोगों, मैं ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊं डिटेल, जिसमें मैं बताऊं कि आपको इतने मार्क्स से कौन सा कॉलेज बेस्ट आप लोगों को मिलने वाला है। सो देखिए आगे इसमें क्या लिखा है, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में करीब 1990 MBBS की सीटें हैं, अयोध्या, फिरोजाबाद, बस्ती, ये सारी मिलाकर के यहाँ पर जो है नए कॉलेज बन रहे हैं। ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ बदायूं मेडिकल कॉलेज में 2018-19 सत्र में मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए उस साल जो सीट्स इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन इस साल मान्यता वहाँ पर मिल गई है, अप्रूवल मिल गया है, और इसी वजह से वहाँ पर भी सीट्स का जो है इस जो सेशन से वहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और जो स्टूडेंट्स को MBBS की सीट्स वहाँ पर भी अलॉट करनी स्टार्ट हो जाएंगी काउंसलिंग के दौरान। तो यहाँ पर देखिए आगे, इन सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश शुरू होने से 700 सीटों पर छात्रों को MBBS में प्रवेश मिल सकेगा।
इसके अलावा प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 210 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे कुल 910 सीटें बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो टोटल हैं 910 सीटें हैं एमबीबीएस की इंक्रीमेंट होने की, यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस है। 2019 का जो सेशन है, इसी बार काउंसलिंग में जो स्टार्ट होगा, इसी से ये सारी जो हैं सीटें इंक्रीमेंट होने के 100% चांसेस हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है, इसके अलावा 2020-21 के दूसरे चरण में मिर्ज़ापुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़ आदि जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेजों में सत्र शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सो आपको बता दें कि 2020-21 में यहाँ पर भी इंक्रीमेंट होने के चांस बन रहे हैं। अगले साल का जो नीट के स्टूडेंट्स जो अपेयर करेंगे उनको यहाँ पर फ़ायदा होगा, लेकिन इस बार के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 910 सीटों का फ़ायदा होने वाला है। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे फ़ायदा कैसे होगा। देखिए, पहला फ़ायदा तो आप लोगों को डायरेक्टली उन स्टूडेंट्स को हो रहा है जिनको नंबर कम आए हैं। और दूसरा फ़ायदा कैसे होगा, दूसरा फ़ायदा ऐसे होगा कि अगर सीट्स इंक्रीमेंट होंगी तो जो कट ऑफ है वो भी डिक्रीज़ होगी। कट ऑफ में भी डिक्रीमेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है। सीट एक तो इंक्रीज़ हो रही है तो स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है कि सीट इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिल सकेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ होगी, से भी डायरेक्टली स्टूडेंट्स को फ़ायदा होने वाला है। इन सारी चीज़ों की डिटेल्स वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। हम आप लोगों को बताएंगे, कल तक आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम बताएंगे कि कितना जो है कट ऑफ में डिक्रीमेंट आ सकता है और कितना अब कट ऑफ। देखिए, पहले बात आई थी कि कट ऑफ हाई होने वाली है एज़ कम्पेयर टू द 2018 एग्जामिनेशन, बट दिस ईयर ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द एमबीबीएस सीट्स देयर आर चांसेस दैट द कट ऑफ विल डिक्रीज। सो सीट्स बढ़ने के कारण यहाँ पर चांस बन रहे हैं कि कट ऑफ में है डिक्रीमेंट देखा जाएगा। सो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मार्क्स अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इसके तो ये रही बात जो है कट ऑफ के बारे में और जो सीट्स इंक्रीमेंट होने के बारे में। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे 24 नंबर का फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है, कैसे जो है बोनस मार्क्स आप लोगों को 24 नंबर कैसे मिल सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो बात चल रही थी वो 12 से 16 नंबर बोनस मार्क्स मिलने की चल रही थी, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है कि अब जो है 24 नंबर बोनस मार्क्स मिलने की तैयारी हो रही है। सो स्टूडेंट्स, देखिए ये खबर हमने पहले कल भी आप लोगों को वीडियो में बताया था इस बोनस मार्क्स के रिगार्डिंग, बट यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए हुआ क्या था कि पहले जो बोनस मार्क्स की 12 से 16 नंबर की खबर, पहले 12 नंबर बोनस मार्क्स मिलने के चांस आ रहे थे, उसके बाद 16 नंबर मिलने के चांस आए। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि वीडियो में आप जब नई वीडियो डालते हैं तो बोनस मार्क्स को बढ़ा देते हैं हर बार, अब जब अगली वीडियो डालिएगा तो उसमें 20 नंबर बोनस मार्क्स कर दीजिएगा। सो अब हम आपको बता रहे हैं कि 24 नंबर बोनस मार्क्स मिलेगा तो कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी धोखा लगेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सही सही से पूरा गाइड कर दूं। देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है और इसी पे कहा गया है कि पहले जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे, उनमें जो है गलतियां थी और जो भी कन्फ्यूजन्स था और रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ने उसके रिगार्डिंग करेक्शंस के लिए भी वहाँ पर एनटीए को इसके बारे में अवेयर किया गया था। अब इसके बाद जो यहाँ पर चंडीगढ़ बेस्ड फिज़िक्स टीचर है उन्होंने भी एनटीए को नोटिस दिया है कि फिज़िक्स में भी यहाँ पर 3 क्वेश्चन है जिस पे कि यहाँ पर गलत क्वेश्चन, मतलब एम्बिगुअस क्वेश्चन जो थे उन पर डाउट्स हैं उन लोगों को। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने एनटीए को नोटिस दिया है कि जल्दी से इन क्वेश्चन पर भी ध्यान दिया जाए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो चार यहाँ पर इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो पहले 12 नंबर का पहले आप लोगों को बोनस मार्क्स मिलने थे, लेकिन अब जो है बोनस मार्क्स 12+12 24 नंबर का बोनस मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर ये बोनस मार्क्स मिलेगा तो सभी स्टूडेंट्स को, लेकिन जिनके नंबर कम है उनको डायरेक्टली फ़ायदा होगा इन बोनस मार्क्स का। कितने भी आप लोगों के नंबर है कमेंट में ज़रूर शेयर करके बताइएगा कि आप लोगों के नंबर कितने आ रहे हैं। साथ ही में एक और दूसरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर
भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी है आप लोगों को मिल सके। हम अपने चैनल पर डिटेल में आप लोगों को बातें बताते हैं और सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से हम नहीं बोलते हैं कि आप लोगों को कुछ भी लगे कि हम अपनी तरफ से बातें बना करके बोल रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर हम सारी जो खबरें हैं एग्जैक्ट न्यूज़ में आई हुई हैं वही आप लोगों को बता रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है बोनस मार्क्स के रिगार्डिंग। अब जैसे ही इसके ऊपर नया अपडेट आएगा आप लोगों को हम अवेयर कराते रहेंगे, तो तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल की हर एक एक्टिविटी को फॉलो करते रहिएगा। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।